तो हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉरिडोर और गोडाउन वायरिंग। कॉरिडोर वायरिंग जो घरों के कॉरिडोर में की जाती है, जैसे सामने सामने मकान है उसमें जो रास्ता जाता है उसे बोलते हैं कॉरिडोर। गोडाउन, गोडाउन जहाँ पे आपका सामान को स्टोर किया जाता है, इंडस्ट्री सामान को स्टोर करती है, दोनों साइड पे सामान है, उसमें बीच चलने के लिए रास्ते में हमें लाइट चाहिए, तो उसे बोलते हैं गोडाउन वायरिंग। तो ये गोडाउन और कॉरिडोर वायरिंग दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, बस इनके नाम अलग अलग हैं क्योंकि इनको अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास इन दोनों सर्किट को बनाने के लिए जो सबसे पहले मटेरियल लगेगा, ये मटेरियल है, हमें एक वन वे स्विच चाहिए जिसके दो टर्मिनल होंगे, और हमें तीन टू वे स्विच चाहिए जिसके तीन टर्मिनल होंगे। टू वे स्विच क्या करती है, जो दोनों जगह पे ऑपरेट हो सकती है, ऊपर भी वो ऑन हो सकती है, नीचे भी ऑन हो सकती है, पर आपकी वन वे स्विच सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑन होगी और दूसरी डायरेक्शन में वो ऑफ रहेगी। और उसके बाद L1, L2, L3 और L4 आपके चार लैंप हैं, बल्ब बोलते हैं हम जिन्हें। उसके बाद P1, P2, P1, P2 है आपकी स्विच की पोजीशन। P1 है आपकी स्विच ऊपर की तरफ है ऑफ पोजीशन में, P2 है आपकी स्विच नीचे की तरफ है ऑन पोजीशन में। तो ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो अब डायग्राम पे आते हैं। हमने सबसे पहले S1 लगाई जो आपके सिंगल वे स्विच है, उसके एक टर्मिनल को फेस दे दिया, दूसरे टर्मिनल को हमने S2 पे लगा दिया जो आपकी टू वे स्विच है उसके सेंटर में लगा दिया, और S2 का आपका P2 पॉइंट हमने जोड़ दिया नेक्स्ट आपकी S3 के सेंटर में। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, S3 का अपना सेकंड पॉइंट उठा के हमने S4 के सेंटर में जोड़ दिया। तो इस तरह आपकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे आपके स्विच के पीछे के पोर्ट होते हैं जिनको आप कनेक्ट करते हैं। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है और ये आपकी सर्किट डायग्राम है, इसे SLD भी बोलते हैं। SLD होता है सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है जी। तो जब भी आपकी स्विच रेस्ट पोजीशन पे होती है, रेस्ट पोजीशन क्या होता है, वो ऑफ पोजीशन में होती है, ऊपर की तरफ होती है हमेशा। तो देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से हमने शो किया कि सभी स्विच ऊपर की तरफ हैं और ये आपकी S1 ओपन है, ऐसे होती है ये S1, ठीक है। जैसे सभी स्विच ऑफ पोजीशन पे हैं तो आपके सारे लैंप ऑन ऑफ रहेंगे, कोई भी ऑन नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही आपने S1 को ऑन किया, ऐसे आपने S1 को दबाया, करंट S1 में फ्लो हुआ और वो करंट यहाँ से गया S2 में, और S2 से जाके उसने L1 को ऑन कर दिया, ठीक है जी। ये ऑन हो जाएगा, देखो यहाँ से करंट फ्लो हुआ और यहाँ पे गया इसमें। उसके बाद जैसे ही आप S2 के पास पहुँचे, आप आगे चले गए, तो आपने S2 को ऑन किया तो आपका करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो होगा, और ये स्विच आपकी पहले ऑलरेडी ऑफ पोजीशन पे और L2 के साथ कनेक्ट है, तो आपका L2 ऑन हो जाएगा। जैसे आप और आगे गए तो आपने S3 को ऑन किया, S3 को ऑन करने से क्या हुआ, आपका करंट आगे गया और आगे वो S4 में चला गया, S4 के ऊपर वाले टर्मिनल पे ऑफ पोजीशन पे आपका L3 कनेक्टेड है, तो आपके L3 में करंट चला जाएगा जहाँ से, और आपका L3 ऑन हो जाएगा। वैसे ही जब आप लास्ट पोजीशन पे चले गए तो आपने S4 को ऑन किया, जैसे ही S4 को ऑन किया आपका करंट L4 में चला जाएगा और आपका L4 ऑन हो जाएगा। तो ऐसे ही एक लैंप बंद होता जाएगा, एक ऑन होता जाएगा, एक लैंप बंद होता जाएगा, दूसरा ऑन होता जाएगा, यही इसका ऑपरेशन है कि एक ही स्विच के साथ हमने दो लैंप को कंट्रोल करना है, एक को बंद करना है, एक को ऑन करना है। और इस कनेक्शन को हम इसीलिए करते हैं ताकि हम एनर्जी की सेविंग कर सकें। अगर हम एनर्जी की सेविंग करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी और बिजली का बिल भी कम आएगा।